भी विकलांगों के लिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी, विकलांग प्रमाण पत्र है तो मिलेंगी पूरी चार बड़ी योजनाएं। अगर वो कौन सी चार बड़ी योजना है, किस किस को मिलेगा लाभ, किसको नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो किस प्रदेश के जिले से देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रदेश का नाम, जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि हम आपके प्रदेश में, जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आपको नई नई अपडेट देते रहे। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले और बड़ी योजना को लेकर। तो सबसे पहली और बड़ी योजना है पीएम आवास योजना, जहां सभी लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा था, वहीं पर मोदी सरकार विकलांगों के लिए स्पेशल योजना लेकर आई है। पीएम आवास योजना के तहत जहां आम लोगों को 1,20,000 रुपए मिल रहा था, वहीं विकलांगों को पीएम आवास योजना के तहत 1,80,000 रुपए घर बनाने के लिए मिलेगा। अगर विकलांगों के पास कच्चा घर है, कच्ची झोपड़ी है, खुद का घर नहीं है, खुद की छत नहीं है, टीन है, तो ऐसे विकलांगों के लिए जिनको भविष्य में कभी भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा और उनके खाते में 1,80,000 रुपए डाल दिया जाएगा। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं आपका घर कच्चा है या टीन है, झोपड़ी है, जो भी है, और आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दें। और दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको बस इतना करना होगा, अपना विकलांग प्रमाण पत्र जो कि 45% से अधिक हो, कोई भी उम्र सीमा हो, आपके लिए कोई भी इसमें बंधन नहीं होगा, और साथ ही साथ आप अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र या ग्राम प्रधान से जाकर संपर्क कर सकते हैं। मूल निवास होना जरूरी है, जिसके बाद आपके एक फॉर्म भरा जाएगा और आपके घर की जांच की जाएगी। इसके लिए अगर आप पात्र हैं तो आपको पूरे 1,80,000 रुपए आपके खाते में मिल जाएंगे। वहीं बात करेंगे दूसरी और बड़ी योजना को लेकर, तो दूसरी और बड़ी योजना महिलाओं के लिए, जो असंगठित क्षेत्र से रहने वाली महिलाएं, उन सभी महिलाओं को मोदी सरकार फ्री में सिलाई मशीन योजना का लाभ देने जा रही है, ताकि वो खुद का रोजगार करके, खुद का काम करके आत्मनिर्भर बन सकें और खुद का मेहनत करके खुद के लिए कुछ कमा सके। ऐसी महिलाओं के लिए घर घर जाकर फॉर्म भरा जाएगा फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत, जिसके बाद उनको घर घर जाकर सिलाई मशीन वितरण की जाएगी। तो ऐसी महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, खुद का रोजगार करना चाहती हैं, वो 20 जुलाई 2022 से अपना फॉर्म भर दें, जिसके बाद उनको फ्री में सिलाई मशीन योजना का लाभ मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे तीसरी और बड़ी योजना को लेकर, तो तीसरी और बड़ी योजना है फ्री स्कूटी योजना। विकलांगों को फ्री में स्कूटी दी जाएगी, इसके लिए उनको एक फॉर्म भरना होगा, और इसके लिए बता दें कि 45% से अधिक विकलांग प्रमाण पत्र बना होना जरूरी है। 25 जुलाई 2022 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जिससे ब्लॉक के द्वारा फ्री में स्कूटी वितरण की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके घर में, रिश्तेदार में, पड़ोस में कोई भी विकलांग है तो उनका यह फॉर्म भरवा दें ताकि उनको फ्री में स्कूटी मिल सके। इसके लिए मूल निवास, खुद का आधार कार्ड और साथ ही साथ आपको खुद का एक पर्सनल बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है, जिसमें पेंशन भी आपको मिलेगी। वहीं बात करेंगे चौथी और बड़ी योजना को लेकर, तो चौथी और बड़ी योजना है उज्ज्वला योजना। जिन विकलांगों को अभी तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, तो ऐसे सभी विकलांगों के लिए मोदी सरकार उज्ज्वला योजना लेकर आई, जिसके तहत उनको 4 महीने तक फ्री में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा और उनको फ्री में रेगुलेटर, चूल्हा, गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। तो इसके लिए उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप उज्ज्वला योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपको भविष्य में कभी भी इसका लाभ नहीं मिला है, तो अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र और साथ ही साथ आपको किसी भी बैंक में खुद का एक पर्सनल अकाउंट खोला होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी, जिसके बाद आपको सारी चीज मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी चार बड़ी योजनाएं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपको किसी भी योजना का लाभ पहले से मिल रहा है तो भी कमेंट्स बॉक्स में बता दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।